हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टोमेट्री गोल्स। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनोकुलर विजन में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ होरोप्टर, पैनम फ्यूजनल एरिया और रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस से। तो बाइनोकुलर विज़न में क्या है, जब भी बाइनोकुलर विज़न काम करेगा तो बाइनोकुलर विज़न के काम करने पे जो हमारे दो रेटिना है ये दोनों एक साथ काम करेंगे फिजियोलॉजिकल मैनर में, और जो रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है डिफरेंट दोनों रेटिनाज के, ये एक आंख का रेटिना है, ये एक आंख का रेटिना है। जब बाइनोकुलर विज़न काम करेगा तो जो ये रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स हैं हमारे रेटिना पे, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं या सिग्नल कैच करते हैं। तो जब भी ये बाइनोकुलर विज़न काम करेगा तो जो रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है वो दोनों रेटिना के एक साथ काम करेंगे, दो आइज़ की रेटिना के रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट एक साथ काम करेंगे जब बाइनोकुलर विज़न वहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेटिना है, ये दूसरा रेटिना है, इमेजिनरी पॉइंट्स मान लीजिए, ये कुछ थ्री पॉइंट्स इधर है, ये इधर है, इसका 1 2 3, 1 2 3, ये एक आई है, ये एक आई है। ठीक है, तो ये रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स है जब बाइनोकुलर विजन वहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल, सेकंड पॉइंट से एक्साइटेशन स्टिमुलेट हुई तो दूसरी आई से भी सेकंड पॉइंट से ही स्टिमुलेट होगी। इस रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस को क्या कहते हैं, नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, और फॉर एग्जांपल किसी की आई में स्क्विंट है या कुछ और प्रॉब्लम है, और एक वन से हुई लेकिन दूसरी वन से ना होके थर्ड से हो रही है ताकि वो सिंगल इमेज देखने की कोशिश करिए, इसको क्या बोलेंगे, एनआरसी, दैट इज सॉरी, इसको क्या कहेंगे, एआरसी, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। फर्स्ट है, सेकंड पॉइंट यहाँ से, सेकंड पॉइंट यहाँ से, दोनों एक जगह मीट हुई, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। और किसी में अगर एक पॉइंट से जा रही है, कोई स्क्विंट है, कुछ है एक आई में, वो किसी और पॉइंट से स्टिमुलेट कर रही है तो इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस कब होता है, जब किसी भी आई में स्क्विंट, मान लो एक आई नॉर्मल है और एक आई में कुछ भी थोड़ा सा स्क्विंट है, तो जो उसका फोवियल एक्सिस होगा वो कहीं और जाएगा, जैसे सेम यही चीज़ है, 1 2 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, यहाँ से थर्ड पॉइंट स्टिमुलेट कर रहा है, इस आई में नॉर्मल ही है तो इसमें सेकेंड पॉइंट स्टिमुलेट कर रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक होरोप्टर। होरोप्टर क्या होता है, होरोप्टर एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी एरिया कह सकते हैं हम, जब भी जहाँ पे सारे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 1 2 3, 1 2 3, इस आई का 1 2 3, ये क्या है, रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स है जहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे बहुत सारे रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स होंगे जिस एरिया में वो जाके आपस में मिलते हैं, जिस लाइन पे, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं हम, होरोप्टर। ठीक है, समझ आ गया, होरोप्टर में क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है जहाँ पे सारे रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट आपस में मिलते हैं। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स क्या है, रेटिना में कुछ एक पॉइंट्स होते हैं या एरियाज होते हैं जहाँ से एक्साइटेशन स्टिमुलेट होती है, बोथ आई से जब वो आपस में मैच करती है तो वहाँ पे बाइनोकुलर विजन होता है। और फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से मैच नहीं कर रही, इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, फिक्सेशन डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी। ठीक है,
और अगर ये मैच कर रही है तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, हॉरोप्टर, उस एरिया को, उस लाइन को जहाँ पे वो पूरी लाइन पे मैच करते जा रहे हैं उस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरोप्टर। एक और चीज़ रह गई पेनम्स, इसी के साथ कवर हो जाएगा ये भी, फ्यूजनल एरिया। अब पेनम्स फ्यूजनल एरिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ पे देख रहे हैं, मान लो आगे 10 बच्चे बैठे हैं, हम किसी एक पे देख रहे हैं बट हमें पता है पेरिफेरल विजन से हमें साइड्स वाले भी दिखाई देंगे, साइड में कोई बैठा है, उस एरिया को बोलते हैं कि जहाँ पर फिक्सेशन डिस्पेरिटी होने के बाद भी बाइनोकुलर विजन हो। ये देखिए सिंपल सी चीज़ें क्या है, ये मैच कर रहा है, ये है हॉरोप्टर, ठीक है, ये दूसरा रेटिना है, ये मैच नहीं कर रहा, ये एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस है यहाँ पे, ये आपस में लाइंस मैच नहीं कर रही, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, फिक्सेशन डिस्पैरिटी। लेकिन इन दो चीज़ों के बीच में एक और एरिया आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक, और किसी एक सेकंड पॉइंट से यहाँ पे क्या हो, तो जो ये इतना एरिया है क्योंकि यहाँ पे मैच हो रहा है ना एक पॉइंट पे, इसलिए ये और ये, इसको इस एरिया को क्या कहेंगे हम, पैनम्स फ्यूजनल एरिया। पैनम्स फ्यूजनल एरिया क्या होता है कि जहाँ पर फिक्सेशन डिस्पेरिटी होने के बाद भी बाइनोक्युलर विजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिक्सेशन डिस्पेरिटी क्या होता है, ये कि आपस में दो पॉइंट्स कभी नहीं मिल पा रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फिक्सेशन डिस्पेरिटी। तो ये था आज का टॉपिक, पैनम फ्यूजनल एरिया, होरोप्टर एंड रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस आराम सिंपल भाषा में ये है कि हमारे दो रेटिनाज हैं, जब बाइनोकुलर विजन होगा तो दोनों रेटिना के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट रेटिना के साथ में मिलकर काम करेंगे, एक सिंगल इमेज बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। जब दोनों रेटिना के सेम पॉइंट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रेटिना का ए पॉइंट सेकंड रेटिना का भी ए पॉइंट आपस में मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। लेकिन अगर फर्स्ट रेटिना का ए पार्ट और सेकंड का बी सी या कोई भी डिफरेंट मैच कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। ये किस केस में होता है, स्क्विंट या इस तरह के केसेस में, जब आई ट्राई करती है फिक्सेट या सिंगल इमेज बनाने की और किसी और पॉइंट से फिक्सेट करती है। एक चीज़ रहेगी इसमें, दैट इज रेटिनो मोटार वैल्यू। रेटिनो मोटार वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू फोविया पे कितनी होती है, जीरो। रेटिनो मोटार वैल्यू फोविया पे होती है जीरो। जब हम किसी एक, मान लो किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को देख रहा हूँ, लेकिन इस पेन को देखने के बाद मुझे पता है यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, वो पेरिफेरल में थोड़ा सा ब्लर दिख रही है बट वो बाइनोकुलर है, हमें पता है कि हाँ यहाँ फोन रखा है, ठीक है यहाँ फोन रखा है, यहाँ पे बुक पड़ी है, बुक पड़ी है। इस पॉइंट से हम पेरिफेरल पे कितना आई को मूव करना है उस वैल्यू को बोलते हैं रेटिनो मोटार वैल्यू। अभी पेन पे देख रहा हूँ, मुझे यहाँ बुक पे देखना है, मुझे अपनी आईज को कितना मूव करना है, इस वैल्यू को बोलेंगे रेटिनो मोटार वैल्यू। मतलब किसी एक पॉइंट पे देख रहे हैं, पेरिफेरल का विजन, ये पेरिफेरल एरिया है, ये अभी ब्लर है बट ये बाइनोकुलैरिटी में होता है, इस पॉइंट से इधर फिक्सेट करने के लिए जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, रेटिनो मोटार वैल्यू। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।